क्या आप एक ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर देती हो? और सिर्फ पानी में रहने वाले जीव ही नहीं, ये मछली खतरा महसूस होने पर इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। आज हम इलेक्ट्रिक ईल के किस्सों के बारे में सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, बल्कि आज के हमारे इस वीडियो में भी हम इन मछलियों के सबसे खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी मान जाएंगे कि ये ईल बड़ी पहुंची हुई चीज है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल। पृथ्वी पर मौजूद हर एक क्रिएचर के पास खुद को बचाने और अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह की खूबियां मौजूद है। इनमें से कुछ जीव तो इतनी अजीब खूबियों के मालिक है कि यकीन ही नहीं होता ऐसा सब असल में हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक ईल को ही देख लीजिए, इसके पास तो सचमुच सुपर पावर है। एक इलेक्ट्रिक ईल करीब 600 वोल्ट के वोल्टेज की बिजली पैदा कर सकती है। इतनी बिजली किसी भी जानवर या इंसान को भारी शॉक देने के लिए काफी है। ये बिजली का झटका इतनी तेज होता है कि इसकी वजह से इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सीधा इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ तक कि हार्ट फेलियर की आशंका भी होती है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। ये झटका इतना तेज होता है कि इससे 40 वाट का लाइट बल्ब भी जलाया जा सकता है। इसीलिए हमारी आपसे ही गुजारिश है कि इनसे जब भी मुलाकात हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिएगा। दुनिया भर में ईल की कुल 3 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें द इलेक्ट्रिक ईल, वेरी इलेक्ट्रिक ईल और वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल स्पीशीज शामिल है। ये सभी प्रजातियां अमेज़न रिवर या उसके आसपास वाले इलाकों में आसानी से देखी जा सकती है। दरअसल इन मछलियों के शरीर में 3 खास तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये है मेन ऑर्गन, हंटर ऑर्गन और सैच्स ऑर्गन। ये सभी ऑर्गन्स कुछ खास मॉडिफाइड मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनकी मदद से ये फिश इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाती है और बड़े से बड़े शिकारी जानवर को मजा चखा पाती है। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए किस तरह ये मछली अपने से कई गुना बड़े आकार के जानवरों को भी हिलाकर रख देती है। When a dog shocked by electric eel attack। ऐसे मौके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जब जमीन पर रहने वाले जानवरों का सामना पानी में रहने वाले जीव से हो, मगर जब भी होता है तो इनके बीच की झड़प बड़ी मजेदार हो जाती है। यहाँ देखा जा सकता है कि जिस वक्त एक डॉग इलेक्ट्रिक ईल को दबोचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक से ये मछली डॉग को शॉक दे देती है। बेचारे डॉग को समझ ही नहीं आया होगा उसके साथ क्या हुआ। बेचारा जानवर दबे पाव अपने घर की ओर निकल लेता है। जमीन पर रहने वाले जानवरों के सिवा एक ईल पानी के शैतान कहे जाने वाले मगरमच्छ पर भी हमला करके उसे मजा चखा सकती है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। ईल ऑलमोस्ट किल्ड अ क्रोकोडाइल। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त एक मगरमच्छ इस खतरनाक मछली पर हमला करने की कोशिश करता है तो किस तरह यह मछली जवाबी हमला करती है, और देखते ही देखते कुछ ही देर में मगरमच्छ का पूरा शरीर अकड़ जाता है। मतलब साफ है कि बिजली के झटके की वजह से मगरमच्छ की ये हालत हुई है। कुछ ही देर में बेचारे की जान चली जाएगी। अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये मछलियाँ कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इलेक्ट्रिक ईल अटैक्ड अ फिश। जो मछली मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकारियों को एक ही झटके में धूल चटा सकती है, उसके लिए छोटी मछलियां तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। एक्वेरियम में बंद जब इस खतरनाक मछली की नजर करीब ही तैर रही एक छोटी मछली पर पड़ती है तो इसकी भूख अचानक बढ़ जाती है। देखिए किस तरह छोटी के पीछे पड़कर उसे पकड़ लेती है और बड़ी ही आसानी से उसे निगल जाती है। इतना सरल शिकार आपने शायद ही कभी देखा हो। कभी कभी दूसरी मछलियों को पहचानना और उनके बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर लंबी और सिलेंड्रिकल शेप की इन मछलियों को पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इन्हें तो दूर से ही बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। ये फिश नॉर्मली ब्राउन, ग्रे, येलो और ऑरेंज कलर्स में पाई जाती है। इन मछलियों के शरीर का पिछला और साइड वाला हिस्सा ब्लैक और डार्क ग्रे कलर का होता है। इसी वजह से पानी में इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। आमतौर पर गर्म और मटमैले पानी में पाई जाने वाली इन मछलियों की स्किन स्केललेस होती है। जाहिर है इसी वजह से इनके शिकार की ऊपरी त्वचा बहुत ही चिकनी होती है और दूसरी मछलियों की तुलना में इन्हें पकड़ना भी काफी मुश्किल होता है। करीब 10 से 22 सालों तक जिंदा रहने वाली इन मछलियों की लंबाई 8 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और इनका वजन 20 किलो या उससे भी ज्यादा हो सकता है। वही अमेज़न रिवर में तैरते वक्त उनकी रफ्तार 8 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज्यादा पहुंच सकती है। आपको लग सकता है कि इन मछलियों की आंखें बहुत ही तेज होती है, पर सच्चाई तो ये है कि इनकी आंखें लगभग ना के बराबर काम करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस सिचुएशन में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इन मछलियों की आंखें ठीक तरह से काम नहीं करती तो ये पानी के अंदर देखती कैसे है।
तो आपको बता दें, आंखों की बजाय ये मछलियाँ रेडार सिस्टम का यूज करती है। दरअसल ये मछलियाँ एक तरह का वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है जो रेडार की तरह काम करता है और इन्हें रास्ते का पता चलता रहता है। इसी रेडार सिस्टम की मदद से ये पानी में मूव भी करती है, मेटिंग के लिए अपने साथी को भी ढूंढती है और भूख लगने पर शिकार तलाशने का काम भी इसी रेडार सिस्टम की मदद से करती है। दूसरे शिकारी जीवों से बचने में भी ये सिस्टम इनके लिए बहुत उपयोगी होता है। बात की जाए इन मछलियों के खाने की, तो ये अपना पेट भरने के लिए आमतौर पर अपने शरीर के बराबर जीवों का ही शिकार करना पसंद करती है। इसमें मछलियों से लेकर दूसरे पानी में रहने वाले जीव भी शामिल है। क्रस्टेशियन से लेकर क्रैब्स और श्रिम्प्स भी इनके पसंदीदा भोजन में से एक है। पानी में तैरते वक्त इन मछलियों को जैसे ही ये जीव दिखते हैं, ये तुरंत ही उन पर टूट पड़ती है और इन्हें पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रिक ईल अटैक्स ऑन ह्यूमन। यहाँ आपको कई सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जब इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। शुरुआत में पानी के बीच खड़े इन महाशय को ईल जैसे ही शॉक देती है, तुरंत ही ये महाशय धड़ाम से पानी में गिर पड़ते हैं। इस वीडियो में मौजूद शख्स जैसे ही ईल को छूता है, तुरंत ही करंट लगने की वजह से ये पीछे की ओर अचानक से उछल जाता है। यहाँ एक इंसान ने इस खतरनाक मछली को अपने शरीर के इर्द गिर्द लपेट रखा है ताकि पास ही मौजूद इसके दोस्त पता लगा सके कि ये मछली कितने वोल्ट की बिजली प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे ही इस मछली ने वीडियो में मौजूद शख्स को झटका मारा, तो वो पूरी तरह से हिल गया और पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। बाद में मालूम हुआ कि इस मछली ने 2 मिलीसेकंड्स के लिए 860 वोल्ट की बिजली प्रोड्यूस की थी। खैर, अच्छी बात तो यह है कि वीडियो में मौजूद इंसान को ज्यादा चोट नहीं आई। इलेक्ट्रिक ईल अटैक्स ऑन शार्क। इलेक्ट्रिक ईल अगर अपने आपे से बाहर हो जाए तो फिर तो शार्क जैसी खतरनाक मछलियों को भी इनसे पीछा छुड़ाने में पसीने छूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला जब अचानक से एक शार्क पर इस खतरनाक मछली ने हमला बोल दिया। आमतौर पर जहाँ ऐसे हमलों के बाद शार्क खुद को बहुत ही आसानी से छुड़ा लेती है, मगर यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला। दरअसल पीछे की ओर से हमला करने की वजह से इस पूरी लड़ाई में ईल ही हावी रही। हमला करना तो दूर, शार्क को खुद को छुड़ाने में भी पसीने छूट गए। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिर में शार्क ने हार मान ही ली, जिसके बाद ईल उसे खाने के लिए उतावली हो उठी। इलेक्ट्रिक ईल कैचेस देयर प्रे। देखिए किस तरह एक इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार पर हमला करती है। शिकार बड़ा हो या छोटा, ये मछली उसे हल्के में लेने की भूल नहीं करती और जैसे ही शिकार के करीब पहुंचती है, एक ही झटके में शिकार को अपने कब्जे में ले लेती है। इंसानों को छोड़ दिया जाए तो इन मछलियों का कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। हालांकि कई बार मगरमच्छ और दूसरे बड़े जीव इन मछलियों का पीछा करते हुए देखे गए हैं। अगर कोई छोटा मोटा जीव इन मछलियों का पीछा या इन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो ये खतरनाक मछलियाँ एक ही इलेक्ट्रिक शॉक से उनका काम तमाम कर देते हैं। हालांकि ये मछली भले ही खूंखार और खतरनाक शिकारी हो, लेकिन नेचर में बैलेंस बनाने के लिए दूसरे जीवों की तरह ही इन मछलियों का भी अहम किरदार है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इनकी तादाद में भारी कमी देखी गई है। दरअसल इतनी ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी कई देशों के लोग इन मछलियों को खाना पसंद करते हैं। इसी वजह से हर साल भारी मात्रा में इनका जमकर शिकार किया जाता है। हालांकि अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक ईल मेटिंग के बाद करीब 20,000 अंडे देती है। ऐसे में ये एक आशा की किरण है इन जीवों के अस्तित्व के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इलेक्ट्रिक ईल से जुड़ी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपने पहले कभी इलेक्ट्रिक ईल के ऐसे हमले देखे थे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।